दोस्तों आज मेरे पास अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी M13 4G और रियलमी C33। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इन दोनों फोन्स के फीचर्स बताऊंगा, दोनों फोन्स के कंपेयर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फीचर्स को देखते हुए इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन दोनों फोन्स के लुक दिखा देता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी M13 में बैक में ट्रिपल कैमरा है, रियलमी C33 में बैक में डुअल कैमरा दिया हुआ है। साइड में देख लेते हैं दोस्तों, दोनों ही फोनों में यहाँ पर वॉल्यूम बटन है और यहाँ पर पावर ऑफ बटन है, यही हमारा फिंगरप्रिंट है। दोस्तों यहाँ पर हमें फर्क मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी M13 में टाइप सी चार्जिंग मिलती है, वही रियलमी C33 में टाइप बी चार्जिंग मिलती है। दोनों ही फोन्स में यहाँ पर एयरफोन जैक दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर हमें सिम डालने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम दोनों फोन्स को ऑन करके देख लेते हैं। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M13 में हमें 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, वहीं रियलमी C33 में हमें 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M13 में हमें 1080x2408 मिलता है, वहीं रियलमी C33 में हमें 720x1600 मिलता है। दोस्तों डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो हमें दोनों ही फोन्स में 20:9 का डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों वेट की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M13 का वेट 207 ग्राम का है, वहीं रियलमी C33 का वेट 187 ग्राम है। सैमसंग गैलेक्सी M13 में हमें यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है, वहीं रियलमी C33 में हमें यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में हमें फर्क देखने को मिल जाता है, सैमसंग गैलेक्सी M13 में यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, वहीं रियलमी C33 में हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग में हमें PLS LCD स्क्रीन मिलती है, वहीं रियलमी में हमें IPS LCD स्क्रीन मिलती है। बैटरी में यहाँ पर हमें फ़र्क मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी M13 में हमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं रियलमी C33 में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर दोनों में प्रोसेसर में फ़र्क है, सैमसंग M13 में एक्जनॉक्स 850 का प्रोसेसर है, वहीं रियलमी C33 में यूनिसॉक T612 का प्रोसेसर दिया हुआ है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M13 हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 पर मिलता है, वहीं यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता है। एक फर्क कैमरे में हमें मिल जाता है, सैमसंग हमें 10x तक डिजिटल जूम मिलता है, वहीं रियलमी C33 में 4x तक डिजिटल जूम मिलता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फोन्स में हमें एंड्रॉयड 12 वर्जन मिल जाता है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M13 में हमें रैम प्लस का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि हम सैमसंग M13 में रैम को बढ़ा सकते हैं, वहीं रियलमी C33 में हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों फीचर्स को देखते हुए यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M13 थोड़ा सा बेस्ट है, प्राइस रेंज भी सेम है, प्राइस रेंज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमें एक फ़र्क और मिल जाता है, सैमसंग गैलेक्सी M13 में हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पर हमें 15 वाट तक की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, वहीं यहाँ पर हमें नॉर्मल चार्जिंग मिलती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।